की कार्रवाई स्थगित हुई, उसके पीछे वजह हंगामा थी। हंगामा अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति वाले बयान को लेकर, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने अब सीधे सीधे बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ दिया है। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर लोकसभा में हंगामा हुआ, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर यह बखेड़ा खड़ा किया है। अधीर रंजन चौधरी ने हंगामे का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है और कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर ये हंगामा किया है। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, हाउस क्यों अड़जान हो गया अधीर दादा? सरकार खुद हाउस भंग कर रही है। हम लोग बार बार गुहार लगाते हैं, हमारे बात रखने को दिया करो। सदन के अंदर बीजेपी पार्टी की सारे बीजेपी पार्टी मैडम सोनिया गांधी जी को छोटा करने के लिए, अपमान करने में लिए एकजुट हो चुके हैं और आगे आगे दो चार नेताओं को, एक मंत्री को सामने रख दिए हैं। ये बीजेपी पार्टी के मकसद ये है कि मैडम सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर भेजने से कोई काम नहीं बनी। अभी सदन के अंदर उनको मैडम सोनिया गांधी की अगर अपमान किया जाए तो भी बेहतर होगी। तो इसलिए सदन के अंदर ये बीजेपी पार्टी सारे इनको एमपी एमएलए को मंत्री को तैनात किए हैं सिर्फ मैडम की अपमान करने के लिए। नहीं तो ये मुद्दा तो मेरे साथ बीजेपी पार्टी के, लेकिन बीजेपी पार्टी ये मुद्दा मैडम के साथ बना रहे हैं। इसमें इन लोग का नापाक इरादे साफ होते हैं। और कल अगर स्मृति ईरानी जी जो इनकी मंत्री है, गोवा की गुस्सा उतारने के लिए जो सदन में आई है, अगर उनकी जो स्टेटमेंट सदन के अंदर रखी थी उसको अगर ठीक से देखा जाए, वो द्रौपदी मुर्मू क्यों करती है? हम लोग नाम नहीं लेना चाहिए, किसी प्रेसिडेंट को नाम नहीं लेना चाहिए, वो भी एक ट्राइबल प्रेसिडेंट, उनको नाम नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कल उनकी स्टेटमेंट पढ़ा करो, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी कहने से काफी है, नाम नहीं लिया जाता। गई अंदर तो मैंने कहा कि कांग्रेस ने शिकायत की आपकी स्पीकर से, तो उन्होंने उल्टा कहा कि मैं भी शिकायत कर सकती हूँ। कर सकती है, सब कुछ कैसे गोवा में हुआ उसका शिकायत तो करेंगे यहाँ सदन के अंदर। तो यहाँ पर आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना। उधर प्रहलाद जोशी लगातार वो भी कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। अधीर रंजन, माफी मांग, अनकंडीशनल माफी तो नहीं मांगा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषता अधीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। ये तो इसमें कोई अगर नहीं मांगते हैं तो वो उनका विवेचन कैसा है, उनका थॉट कैसा है, वो पता चलता है। पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस। तो इसलिए मुझे लगता है सोनिया गांधी माफी मांगना चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि जो कुछ कहा गया था वो इंटेंशनली था, अनइंटेंशनल नहीं था, और अब इसीलिए बिना शर्त माफी मांगी जाए। प्रहलाद जोशी का ये कहना कि बिना शर्त माफी मांगी जाए, इससे पहले भी द्रौपदी मुर्मू का अपमान जब उनके नाम का ऐलान हुआ था राष्ट्रपति के लिए, तो उस दौरान भी किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो क्रमबद्ध तरीके से है और जानबूझकर ये कटाक्ष उन पर किया गया। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से एक तरफ स्मृति ईरानी ने मुलाकात की, कल स्मृति ईरानी ने मोर्चा खोला था, उसके बाद सोनिया गांधी से नोकझोंक की खबरें भी सामने आई थी। इधर सदन की बात की जाए तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही जो है वो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है और सदन के बाहर विपक्ष का विरोध है क्योंकि विपक्ष के कई सांसदों को निलंबित भी किया गया है। उनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर फिलहाल वो गांधी प्रतिमा के पास बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं।